टाइटैनिक की बाकियात देखने के सफर पर जाने से पहले सुलेमान इससे खौफजदा थे। शहजादा दाऊद की बहन का इंकशाफ, हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत आबदोज जो कि अपने मुसाफिरों को बहर ओकियानूस में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ले गई थी, उसके सयाहों में शामिल शहजादा दाऊद की फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद फैमिली के अफराद में शामिल शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। इस मौके पर शहजादा दाऊद की बड़ी बहन उजम दाऊद ने इंकशाफ किया है कि उनका भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की बाकियात देखने के सफर से खौफजदा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस पुरखतर सफर में शरीक हुआ था। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। हुसैन एंड कल्सूम दाऊद फैमिली ने शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए एक एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहजादा दाऊद और सुलेमान के आखिरी रसूमात से मुतल्लिक जल्द आगाह किया जाएगा। उनका कहना था कि हमारे प्यारे बच्चे ओशन गेट की टाइटन आबदोज पर मौजूद थे जो जेर समंदर गर्क हो गयी। हम टाइटन आबदोज में मौजूद दीगर मुसाफिरों के खानदानों से भी इजहार अफसोस करते हैं। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी साने की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।